नमस्कार, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से दीनदयाल उपाध्याय से अपना पीजी कंप्लीट किया है। अभी हम पीएचडी कर रहे हैं। पिछले 7 साल से हम टीचिंग में हैं, 5 साल हमने गोरखपुर में पढ़ाया है। पिछले 2 सालों से हम कृपालु महिला महाविद्यालय में बीए और एमए में होम साइंस पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के लिए हम होम साइंस पढ़ाएंगे। तो हम जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो हमारा गृह विज्ञान होता है उसके अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आहार एवं पोषण विज्ञान, मातृकला एवं शिशुपालन, प्रसार शिक्षा एवं संचार, गृह प्रबंध एवं गृह कला, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, ये हमारे गृह विज्ञान के जो 5 क्षेत्र हैं इनके बारे में पूरा डिटेल हम लोगों को टीजीटी और पीजीटी के लिए पढ़ना है। और पीजीटी में तो आप लोगों का 50% बस ये है, 50% आप लोगों का शारीरिक क्रिया विज्ञान है जो दूसरे सर पढ़ाएंगे। हमको बस ये आप लोगों का टॉपिक पूरा पढ़ाना है। तो इसमें से हम लोग अभी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो हम लोग रेसे पे हमारा बन चुका है। आज हम लोग दूसरा वीडियो हम लोग उसका दूसरा क्लास लेंगे, तो हम लोग रेसे ही पढ़ थे, उसी के आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि हमारा जो प्राकृतिक रेशा होता है, प्राकृतिक रेशे के बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिटेल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवकृत रेशा। मानवकृत रेशा, मानवकृत रेशा यानी कि नाम से स्पष्ट होता है कि वह रेशा जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते थे वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, आरामदायक भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, लेकिन उसकी जो देखभाल है, उनका सुरक्षा है, उनकी जो सफाई धुलाई है वह कठिन है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा रेशम का कपड़ा होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा रेशम का कपड़ा होता है उस पर अगर कोई भी दाग धब्बे लग जाए तो उसको हम घर पर नहीं धुल सकते, उसको हमें ड्राई क्लीन ही कराना होता है। और फिर हमारा कॉटन का अगर कपड़ा होता है, कॉटन पर भी जो दाग धब्बे लगते हैं वो मुश्किल से छूटते हैं। और उसके बाद कॉटन का कपड़ा अगर हम एक बार पहन ले और दोबारा हमको पहनना है तो उसको हमको प्रेस ही करना पड़ेगा। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वह वस्त्रों को लेकर इतना ज्यादा टाइम दे कि जब भी उसको एक बार पहने, उसको धुले, फिर उसको प्रेस करे, फिर पहने। आजकल सब लोग ऐसे वस्त्र चाहते हैं कि जिसको हमने एक बार पहना अगर उसको रख दिया तो दोबारा भी आवश्यकता पड़े तो हम जल्दी से उसको पहन लें। तो मानव ने एक ऐसे रेशे को खोज निकाला जो आजकल के भाग दौड़ के जीवन में हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं, उन्हें ही मानवकृत रेशा, कृत्रिम रेशा कहा जाता है। इनमें जो हमारा मानवकृत रेशा होता है उसका उद्गम स्रोत क्या होता है, वानस्पतिक सेल्यूलोज होता है। यानी कि जो हमारा मानवकृत रेशा है उसका उद्गम स्रोत वानस्पतिक सेल्यूलोज है।
मानव ने पहले जो रेशा बनाया उसको मूल रूप से उसमें सेल्यूलोज ही डाला और रासायनिक पदार्थ डाल के उससे रेशा बनाया। तो जो ये हमारा वानस्पतिक सेल्यूलोज होता है, इसमें क्या क्या चीज हम वानस्पति से लेते हैं, तो मानवकृत रेशे के बनाने के लिए मानव ने क्या किया, कपास के लिंटरस, कपास के लिंटरस, कागज लिया, कागज की लुगदी, और बांस, इन सब चीजों की सहायता से मानव ने कपास के लिंटरस का मतलब होता है कपास के बिल्कुल नन्हे नन्हे रेशे, कागज की लुगदी बना करके और बांस आदि का प्रयोग करके उन्होंने रेशा बनाया। तो ये रेशे सेल्यूलोज से बने होते हैं, इसलिए इन रेशों को पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशा कहा जाता है, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशा कहा जाता है। और जो हमारा मानवकृत रेशा होता है उसका सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया, उसे क्या कहा गया, रेयॉन कहा गया। मानव के जो हमारे रेशे होते हैं सम्मिलित रूप से इन्हें रेयॉन कहा गया। और रेयॉन का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन, रेयॉन का अर्थ होता है सूर्य की सूर्य की किरणों का परावर्तन। जो हम वस्त्र पहनते हैं उसमें सूर्य के प्रति दो प्रक्रिया होती है, या तो वो वस्त्र सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं या तो उसको परावर्तित करते हैं। जो भी वस्त्र हमारे सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, वो वस्त्र जब हम पहनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य किरणों को अवशोषित कर लेंगे तो हमको बहुत ज्यादा ताप गर्मी महसूस होगी और गर्मी होगी। तो गर्मी के दिनों में ऐसे वस्त्र पहनने योग्य नहीं होते हैं। तो जो हमारा रेयॉन का वस्त्र है वह सूर्य किरणों को परावर्तित करता है, यानी कि उसको पहनने से हमें गर्मी महसूस नहीं होती है और वस्त्रों में चमक जो होती है वह और भी अधिक बढ़ जाती है। तो जो रेयॉन का रेशा होता है वह सूर्य की किरणों को परावर्तित करता है। तो जो हमारा रेयॉन होता है उसके बारे में सर्वप्रथम, रेयॉन के रेशे के बारे में सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। उन्होंने बताया, कुछ और विशेषज्ञ थे जिन रॉबर्ट हुक के साथ और कई विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने ये बताया कि वनस्पति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रयोग के द्वारा हम रेयॉन बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सफलता नहीं मिली इस क्षेत्र में। सबसे पहले रेयॉन द्वारा वस्त्र निर्माण करने का श्रेय जाता है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को। सबसे पहले रेयॉन द्वारा वस्त्र निर्माण करने का श्रेय जाता है हमारा काउंट हिलेरी डेस चार्डोनेट को। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, सर्वप्रथम इन्होंने ही रेयॉन का निर्माण किया। रेयॉन का निर्माण इन्होंने कैसे किया, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा। इन्होंने सर्वप्रथम रेयॉन का निर्माण किया और ये नाइट्रोसेल्यूलोज विधि के द्वारा रेयॉन का इन्होंने निर्माण किया। इन्होंने सबसे पहले रेयॉन का निर्माण किया, इसलिए इन्हें क्या कहा था, रेयॉन का पिता भी कहा जाता है। काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को रेयॉन का पिता कहा जाता है। ठीक है,
जो हमारे कॉन्टिनेंटल रिचार्ड ने थे, सबसे पहले इन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा सफलता पूर्वक रियॉन का निर्माण किया। जो हमारे वस्त्र बने वो बहुत ही अधिक सुंदर थे और देखने में वो प्राकृतिक वस्त्र के समान ही थे, लेकिन उनकी जो सफाई धुलाई, जो उनकी सुरक्षा थी, जो उनको सफाई धुलाई को संरक्षित करने का जो ढंग था वो बहुत ही आसान था। उसके द्वारा हम वस्त्रों को आसानी से धुल सकते हैं, जब बिना प्रेस किए भी हम उसे पहन सकते हैं। तो ये होता है। फिर हमारा जो होता है रेयॉन का, जब रेयॉन से उन्होंने वस्त्र बनाया और जब उसमें सफलता मिल गई तो सबसे पहला कारखाना रेयॉन का फ्रांस में खोला गया। पहला कारखाना जो होता है रेयॉन का वो फ्रांस में खोला गया। सबसे पहला रेयॉन का कारखाना फ्रांस में खोला गया और भारत में सबसे पहले रेयॉन का कारखाना केरल में खोला गया 1946 में, केरल में। भारत में सबसे पहला कारखाना केरल में खोला गया 1946 में। तो सबसे पहला अगर कारखाने की हम बात करते हैं पूरे विश्व में तो फ्रांस में खोला गया, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे देश में केरल में पहला कारखाना खोला गया था। तो ये हमारा रेयॉन के बारे में है। तो फिर जो हमारे रेयॉन के रेशे होते हैं उसमें वनस्पतिक पदार्थ मिलाते हैं, वनस्पतिक जो पदार्थ होते हैं उसमें रासायनिक घोल मिला करके उसको स्पिनरेट से निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है उसको जो हमारे मानवकृत रेशे होते हैं, मानव ने अपनी इच्छा अनुसार जितना हमको लंबाई चाहिए होता है, जितना मोटाई चाहिए होता है, उसके अनुसार हम रेशे प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा ये जो घोल होता है, जो हम वनस्पतिक से पदार्थ ले लिए, रासायनिक घोल बना लिए, उन घोलों को जिस यंत्र से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पिनरेट कहा जाता है। स्पिनरेट नामक यंत्र से घोल को निकाला जाता है, और जो स्पिनरेट यंत्र होता है वह किसका बना होता है, प्लेटिनम धातु का बना होता है। जो हमारा स्पिनरेट होता है वो देखिए ऐसे होता है, और इसके नीचे जो होता है खूब छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, पूरे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, और इसी रास्ते से जो होता है हमारे रेशे निकलते हैं, बिल्कुल पतले पतले रेशे इधर से निकलते हैं। तो जो हमारा जो घोल होता है, जो वनस्पतिक पदार्थ मिला लिया और रासायनिक चीजों को मिला लिए, तो जो घोल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में हम ऊपर से इसमें से डालते हैं, फिर ये नीचे आके जब निकलता है तो जब हम लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो अगर नीचे आएगा तो अगर लिक्विड ही रहा तो क्या होंगे, आपस में ये मिल जाएंगे। तो जब नीचे आता तो इधर से वायु प्रवाहित की जाती है, ठंडे जल प्रवाहित किए जाते हैं, जिसके कारण से ये रेशे जैसे ही बाहर आते जाते हैं कठोर होते जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं, और इन्हें खींच कर लपेटते चला जाता है। खींचने से क्या होता है, ये रेशे और भी महीन हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हमको महीन रेशे प्राप्त होते हैं तो हम इनको खींचते हैं, अगर मोटे रेशे प्राप्त करने होते हैं तो हम इसको ज्यादा नहीं खींचते हैं। ये हमारा होता है स्पिनरेट यंत्र है जो प्लेटिनम धातु का बना होता है। प्लेटिनम धातु का क्यों बना होता है, क्योंकि जो हमारा प्लेटिनम होता है वह अम्ल क्षार से अप्रभावित होता है। अम्ल क्षार से अप्रभावित होता है, यानी कि जो प्लेटिनम धातु है उस पर अम्ल क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो हमारा रासायनिक घोल होता है उसमें हम बहुत सारी चीज बनाते हैं, अभी आप लोग कृत्रिम रेशे और रासायनिक रेशे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीज मिलाकर हम निकालते हैं, तो अगर अम्ल क्षार के प्रति उसका खराब प्रभाव पड़ेगा तो जो हमारे रेशे होंगे वो हमको सही से प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं वो अम्ल क्षार से अप्रभावित होते हैं, और जो हमारा ये स्पिनरेट होता है इसका जो व्यास होता है, छिद्र का जो व्यास होता है वह 0.002 से 0.005 तक होता है, यानी कि इनका जो व्यास होता है वह 0.002 से 0.005 होता है, और इन जो स्पिनरेट जो यंत्र है इसमें जो छिद्र होते हैं उनकी संख्या जो होती है, छिद्र की संख्या 1 से लेकर 20,000 तक हो सकती है।
यानी कि एक बार में हम एक रेशे भी इससे प्राप्त कर सकते हैं और एक साथ हम 20,000 रेशे भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है रेयॉन का रेशा, इसी विधि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसी स्पिनरेट यंत्र होता है, इसी के माध्यम से हमारे रेशे निकलते हैं, इधर से वायु प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही रेशे बाहर निकलते जाते हैं वे टाइट होते चले जाते हैं। ये हमारा हो गया रेयॉन के बारे में। रेयॉन के बारे में हमने क्या जाना, जो हमारा रेयॉन रेशा और मानवकृत रेशा होता है, मानवकृत रेशों का उद्गम स्रोत क्या है, वनस्पतिक सेल्युलोज, यानी कि वनस्पति से ही पदार्थों को लेकर मानव ने एक ऐसा रेशा बनाया जो देखने में प्राकृतिक रेशे के समान ही था, प्राकृतिक वस्त्र के समान ही था, लेकिन इसकी सफाई धुलाई, इनकी देखरेख आसान थी। जो हमारे इन वनस्पति सेल्युलोज से इनका उद्गम स्रोत वनस्पतिक सेल्युलोज था, और वनस्पति सेल्युलोज में हम वनस्पतिक पदार्थ के रूप में कपास के लिंटरस, कागज, कागज की लुगदी और बांस का प्रयोग करते हैं। अगर ये सेल्युलोज के द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इन्हें पुनर्निर्मित सेल्युलोज रेशा भी कहा जाता है। और मानवकृत रेशों का सम्मिलित नाम क्या दिया गया है, रेयॉन, और रेयॉन का अर्थ होता है सूर्य की किरणों को परावर्तन करना। फिर रहता है हमारा, फिर अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है, वह प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है। अब हम रेयॉन के रेशे के प्रकार के बारे में देखेंगे। पहला, हमारा जो रेयॉन का रेशा होता है प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं। रेयॉन के प्रकार, जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है, पहले तो इसे प्रमुख रूप से दो ही भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है पुनर्निर्मित सेल्युलोज रेयॉन, पुनर्निर्मित सेल्युलोज रेयॉन, और दूसरा होता है हमारा एसीटेट सेल्युलोज रेयॉन। एसीटेट सेल्युलोज रेयॉन, जो हमारा पुनर्निर्मित सेल्युलोज रेयॉन होता है, इसमें प्रमुख रूप से तीन प्रकार होते हैं। पुनर्निर्मित सेल्युलोज रेयॉन द्वारा तीन तरह से वस्त्र बनाया जाता है। पहला होता है हमारा नाइट्रो सेल्युलोज विधि, नाइट्रोसेल्युलोज विधि के बारे में हम लोग पढ़े हैं भी कि सबसे पहले काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने सबसे पहले नाइट्रोसेल्युलोज विधि के द्वारा ही रेयॉन का निर्माण किया था। तो सबसे पहले जो रेयॉन का निर्माण हुआ था वो नाइट्रोसेल्युलोज विधि के द्वारा ही किया गया था। ये सबसे पहला रेयॉन निर्माण करने की विधि है, इसको किसने किया था, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने। लेकिन जो नाइट्रोसेल्युलोज विधि होती थी वो बहुत ही महंगी विधि है, ये महंगी विधि है, और उसके साथ साथ ये ज्वलनशील बहुत ज्यादा होता है। इसके कारण से अब वर्तमान समय में अब इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते, लेकिन सबसे पहले इसी से वस्त्र बनाए गए थे। और किस तरीके से वस्त्र बनाए गए थे वो हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोसेल्युलोज विधि द्वारा सबसे पहले जो वस्त्र बना था वो किन किन तत्वों के मिश्रण के द्वारा बना था, तो पहले हमारा होता था जो कपास की पट्टियां, यानी कि जो रुई होती है, रुई उसी कपास की जो पट्टियां होती थी, उनमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया गया। कपास की पट्टियों में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिला दिया गया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोसेल्युलोज। जब हमने कपास की पट्टियों में नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो हमें नाइट्रोसेल्युलोज प्राप्त हुआ। फिर इस नाइट्रोसेल्युलोज में इथर और अल्कोहल को मिलाया गया, नाइट्रोसेल्युलोज में ही इथर और अल्कोहल को मिलाया गया, जिससे हमें क्या मिला, एक गाढ़ा घोल मिला, एक कोलाइडल घोल मिला। कोलाइडल घोल का मतलब होता है एक ऐसा गाढ़ा घोल जो जल के समान बिल्कुल पारदर्शी भी नहीं होता है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, लेकिन उस कण को हम मानव नेत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते और न ही उसे हम छन्नी से छान सकते हैं। तो ऐसा होता है हमारा कोलाइडल
कोलाइडल घोल यानी कि गाढ़ा घोल होता है। फिर इस गाढ़े कोलाइडल घोल को हम कैसे निकालेंगे, स्पिनरेट से निकालेंगे। स्पिनरेट जो यंत्र है उसी में हम इस गाढ़े घोल को डाल देंगे। जब गाढ़े घोल से हमारा निकलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, रेयॉन का रेशा। गाढ़े घोल से जब हम स्पिनरेट में डालते हैं तो हमको नीचे से तुरंत हमको रेशा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो गाढ़े घोल को जब हम इसमें डाले तो यहां से हमको रेयॉन का रेशा मिल गया। तो रेयॉन के रेशे पे हमने बताया है कि जैसे ही इसको बाहर निकाला जाता है वैसे ही वायु प्रवाहित किया जाता है कि ये ठंडे हो जाते हैं। तो वाष्प, जैसे उसमें वायु लगता है तो वाष्पीकृत होके जो हमारा एल्कोहल और इथर होता है, एल्कोहल और इथर जो होते हैं वह वाष्पीकृत होके तुरंत क्या हो जाते हैं, वहां से उनकी महक जो होती है वो निकल जाती है और हमें रेयॉन का रेशा मिलता है। उसमें कोई भी महक नहीं होती है और हमको पूरा अच्छे से रेयॉन का रेशा प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा नाइट्रोसेलुलोज विधि है जिसके द्वारा से हमने रेयॉन का निर्माण किया था। पहला था कपास की पट्टी। कपास की पट्टियों को हमने नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया। कपास की पट्टी में हमने नाइट्रिक अम्ल मिलाया और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो हमें प्राप्त हुआ नाइट्रोसेल्युलोज। फिर नाइट्रोसेल्युलोज में हमने इथर और अल्कोहल को मिलाया तो हमें मिला कोलाइडल घोल। फिर हम अपने घोल को स्पिनरेट में डालते हैं और रेशा प्राप्त करते हैं। जो रेशा जब बाहर निकलता है तो वाष्पीकृत होकर उसमें जो इथर और अल्कोहल मिला होता है वो उड़ जाता है और फिर हमें रेशा स्वच्छ रूप में प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, ये हमारा नाइट्रोसेल्युलोज विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण था। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पहला हमारा पुनर्निर्मित रेशे में नाइट्रोसेल्युलोज विधि था, दूसरा विधि है हमारा कुप्रामोनियम विधि। दूसरी विधि है हमारा कुप्रामोनियम विधि। जो कुप्रामोनियम विधि होता है, कुप्रामोनियम विधि के द्वारा सर्वप्रथम रेयॉन का निर्माण LH-DCPGs ने किया था। LH-DCPGs ने किया था। सर्वप्रथम कुप्रामोनियम विधि द्वारा रेयॉन का निर्माण LH-DCPGs ने किया था। इस विधि के द्वारा भी अत्यंत सुंदर आकर्षक रेयॉन का निर्माण किया जाता था और आज भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि कुप्रामोनियम विधि के द्वारा किस तरह से रेयॉन का निर्माण होता है। कुप्रामोनियम विधि द्वारा हम क्या करते हैं, पहले रुई की जो हमारी पट्टी होती है, पहले हम रुई की पट्टियां लेते हैं, जो कपास से हमने रेशे प्राप्त किए थे, कपास के लिंटर्स जो हम लोग पढ़े हैं वही रुई की पट्टी लेते हैं। रुई की पट्टियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसको उबाला जाता है। रुई की पट्टियों में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसको उबाला जाता है। उबलने के बाद हमको कोई चीज हम उबालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, उबला हुआ पदार्थ प्राप्त होता है। जब हम उबालेंगे तो उसे उबला हुआ प्राप्त पदार्थ मिलेगा। फिर हम उबले हुए पदार्थ में क्लोरीन से ब्लीच करते हैं। किसी चीज में हम ब्लीच क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लीच के द्वारा जितनी भी गंदगियां होती हैं वो निकल जाती हैं। कपड़े भी हमारे जब अगर गंदे हो जाते हैं कॉटन कपड़े तो हम उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच के द्वारा उस पर जो गंदगी आदि होती है वो पूरी तरह से हट जाती है। तो जब हम इसके उबले हुए पदार्थ में हम ब्लीच करते हैं तो उसमें जो भी गंदगी आदि होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ब्लीच करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको धोएंगे। कभी भी कपड़ों को ब्लीच करते, अगर हम नॉर्मली कपड़ों को भी ब्लीच करते तो हम उसको धोते हैं, क्योंकि अगर हम कपड़ों को ब्लीच करने के बाद अगर नहीं धुलते हैं तो हमारे वस्त्र अगर धूप में ऐसे ही फैला दे तो वस्त्र हमारे फटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ब्लीच करने के बाद उस घोल को अच्छे से धोया जाता है। फिर बाद उनको फिर उसको सुखाया जाता है। धोने के पश्चात उनको अच्छे से सुखाया जाता है। जबकि जैसे कि हमारा जो स्पिनरेट होता है उसमें हम सूखा पदार्थ डाल के हम उसे नहीं निकाल सकते, तो जब हम सुखा देंगे तो हमें प्राप्त होगा हमारा सूखा पदार्थ। फिर इस सूखे पदार्थ को हम घोल के रूप में प्राप्त करने के लिए उसी सूखे पदार्थ में हम कॉपर सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड मिलाते हैं। जो हमारा सूखा पदार्थ है इसमें हमने कॉपर सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड मिलाया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, गाढ़ा घोल। क्योंकि स्पिनरेट से हम तभी घोल को निकाल सकते हैं जब वो एक गाढ़े फॉर्म में, घोल की फॉर्म में हो।
सूखा हो तो उससे हम उसको हम नहीं बाहर निकाल सकते, सूखा रहेगा तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं, तो उसके लिए हमको गाढ़ा घोल बनाना था, इसलिए हमने उसमें कॉपर सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड मिलाया जिससे कि हमें गाढ़ा घोल प्राप्त हुआ। फिर इस गाढ़े घोल के द्वारा हमको रियॉन का मोटा धागा प्राप्त हुआ। जब हमने स्पिनरेट में डाला निकाला तो उसको मोटा धागा निकला, और मोटे धागे को क्या करेंगे, जैसे ही वो निकलता जाता है उसको हम खींचते जाएंगे, खींचते जाते हैं तो वैसे ही हमको पतला धागा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रमोनियम विधि द्वारा पहले हमारे रुई की पट्टियां थी, रुई की पट्टियों में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया और मिला के हमने उसको उबाला, उबालने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ, उबले हुए पदार्थ प्राप्त हुए। फिर उसमें हमने क्लोरीन से ब्लीच किया ताकि उसकी सारी गंदगी निकल जाए। ब्लीच करने के बाद हमने उसको क्या किया, धोया, क्योंकि ब्लीच के बाद धोना आवश्यक होता है। फिर धोने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद हमें प्राप्त हुआ सूखा हुआ पदार्थ। फिर सूखे हुए पदार्थ में हमने कॉपर सल्फाइड और अमोनियम सल्फाइड मिला दिया तो हमको क्या प्राप्त हो गया, गाढ़ा घोल। अब गाढ़े घोल को हम स्पिनरेट के द्वारा निकालते हैं तो हमको जो रेशा मिलता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसको और पतला प्राप्त करने के लिए हम उसको खींचते जाते हैं जिससे कि हमको पतला रेशा प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा होता है जो हमारा पुनर्निर्मित सेलुलोज रेशा है, उसमें हम नाइट्रोसेलुलोज पढ़ लिया, कुप्रामोनियम पढ़ लिया, तीसरा हमारा होता है विस्कस रेयॉन। तीसरा हमारा होता है विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन के बारे में सबसे पहले पता बीवन क्रॉस व पीडल ने दिया था, बीवन क्रॉस व पीडल ने दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि विस्कस विधि के द्वारा भी रेयॉन का निर्माण हो सकता है, और यह जितनी भी अभी हम लोग तीन विधियां पढ़े हैं ना, नाइट्रोसेलुलोज विधि, कुप्रामोनियम विधि, उसमें सबसे सस्ती विधि होती है ये विस्कस रेयॉन विधि, सबसे सस्ती विधि। क्यों, और आजकल वर्तमान समय में जो भी रेयॉन से वस्त्र बनाए जाते हैं वह इसी विधि विस्कस रेयॉन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। तो ये हमारा जो पुनर्निर्मित रेशा है उसके तीन प्रकार है, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कस। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एसीटेट सेलुलोज रेयॉन। जो एसीटेट सेलुलोज रेयॉन होता है वो भी सेलुलोज, वानस्पतिक सेलुलोज ही उसका मूल स्रोत होता है, उसी के द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। लेकिन उसमें एसीटेट के मिश्रण के कारण, इसमें क्या होता है, जो एसीटेट सेलुलोज रेयॉन होता है इसमें सेलुलोज एसिटिक अम्ल और सेलुलोज एसिटेट का मिश्रण होता है। इसमें जो हमारा एसीटेट सेलुलोज रेयॉन होता है उसमें सेलुलोज एसिटिक अम्ल और सेलुलोज एसीटेट का ये मिश्रण होता है, इसके कारण इसकी जो गुड़ क्वालिटी इसकी होती है वो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेशे की अपेक्षा भिन्न होती है, क्योंकि इसमें एसीटेट का मिश्रण होता है, इससे जो वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं उसकी जो गुड़ होते हैं वो इनसे भिन्न होते हैं। तो ये हमारा हो गया रेयॉन के प्रकार के बारे में। जो हमारा रेयॉन होता है, रेयॉन में एक चीज और है कि जो हमारा रेयॉन होता है इसे कृत्रिम रेशम भी कहा गया है। एक चीज और आप लोगों को बताना था, पिछले वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी कि जो रेशम का पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ये मेरी गलती, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल इसको, कि रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और मछली के पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है, मछली पालन को पीसीकल्चर।
बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, अच्छा लगा मुझे। तो ये गलती हो गई थी, उत्तर रेशम के पालन को हम सेरी कल्चर कहते हैं और मछली के पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है उसकी क्या क्या गुण होते हैं। और एक चीज और, जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन के रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा गया है। कृत्रिम रेशम क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा रेशम का वस्त्र होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा भी है कि वो रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है और ज्यादातर उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हाथ के द्वारा की जाती है। और रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए हमको उसको कीड़े को मारना पड़ता है, इसलिए जो रेशम का जो वस्त्र होता है बहुत ही अधिक महंगा होता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर आकर्षक, इसको वस्त्रों की रानी कहा गया रेशम के वस्त्रों को, तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत आकर्षक चमक लिए हुआ होता है, तो ये बहुत महंगा होता है जिसे सामान्यतः सभी लोग नहीं खरीद सकते। इसलिए मानव ने एक ऐसे रेशे को खोजा जो देखने में तो बिल्कुल रेशम के समान थे, उसकी जो चमक थी, जो उसकी मजबूती थी आती थी वो रेशम के समान ही थी, लेकिन उसकी जो लेकिन उसमें जो पैसा लग रहा था, जो उसका खरीदना था, उसको बहुत ही कम दामों में हमें प्राप्त हो सकता था, जो ज्यादा महंगा नहीं था, जिसे सामान्यतः सभी लोग मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। इसलिए मानव ने रेयॉन की खोज की, इसलिए रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज्यादातर जो गुण होते हैं वह रेशम से मिलते जुलते भी हैं। ठीक है, ये हमारा रेशम हो गया, अब हम ये हमारा रेयॉन हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे रेयॉन के गुण। जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक चमक लिए हुए, अत्यधिक चमकदार। बहुत अत्यधिक चमकदार, इतना ज्यादा चमक होती है इसमें कि अगर हम इसको सामान्यतः ऐसे ही अगर मार्केट में बेच दिया जाए तो कोई खरीदना नहीं पसंद करेगा। वह चमक होती जो आंखों में एकदम बिल्कुल चुभती है, तो रेयॉन के जो चमक होती है इसको कम किया जाता है। इसे कम चमक को कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड, चमक कम करने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड पैराफीन मोम तेल, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि द्वारा इसकी जो चमक होती है उसको कम किया जाता है। तो जब हम इसकी चमक को कैसे कम करेंगे कि जब हम इसको स्पिनरेट से घोल को निकालते हैं उसी समय इनमें से कोई भी एक चीज उस घोल में डाल दिया जाता है कि जब हमको रेशा प्राप्त होता है तभी वो सामान्य चमक लिए हुए हमारे सामने आता है, वो ज्यादा चमकदार नहीं होता है। उसमें उसकी चमक को कम करने के लिए हम टिटेनियम डाइऑक्साइड, पैराफिन और मोम और तेल इत्यादि चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है उसकी जो मजबूती होती है, रेयॉन का रेशा ज्यादा रेशम के समान मजबूत नहीं होता, रेशम से उसकी मजबूती थोड़ी सी कम होती है लेकिन ऊन से ज्यादा होती है। जो हमारा प्राकृतिक रेशा होता है उसमें ऊन सबसे कमजोर रेशा होता है, तो ऊन से तो इसकी मजबूती ज्यादा होती है लेकिन रेशम से इसकी मजबूती जो होती है वो कम होती है। जो हमारा रेयॉन का रेशा होता है उसमें तीन तरह के धागे, एक रेशीय धागे, बहुरेशीय धागे और क्रेप। क्रेप धागा, तीनों धागों से रेयॉन के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं।
जो एक रेशीय धागा होता है। एक रेशीय धागा क्या होता है कि जब हम स्पिनरेट से रेशे निकालते हैं, स्पिनरेट में जब हम घोल डाल के नीचे से रेशे निकाल रहे हैं, तो उसमें जो एक ही रेशा जो निकलता है उसी से हम वस्त्र बनाते हैं। तो जब हम एक रेशा जब स्पिनरेट से निकालते हैं तो जब रेशा जैसे ही बाहर आता जाता है उसको घुमा दिया जाता है, उसको हल्का हल्का ऐठन देते हैं जिससे कि वो धागे के समान मोड़ता चला जाता है। और उसके बाद जब अगर हमको एक रेशीय धागों से वस्त्र बनाना होता है तो जब हम उसमें ताप प्रवाहित करते हैं तो इस तरह से ताप प्रवाहित करते हैं कि वो धागा हमारा कमजोर न हो जाए और मजबूत ही रहे। क्योंकि जब हम वस्त्रों की बुनाई करते हैं ताने बाने के द्वारा तो वस्त्रों को बहुत ज्यादा झटके सहने पड़ते हैं, तो अगर हमारा धागा मजबूत नहीं होगा तो बीच में ही टूट जाएगा और हमारा वस्त्र निर्माण नहीं हो पाएगा। तो एक रेशीय धागों द्वारा जो हम वस्त्र बनाते हैं उसको थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं। एक रेशीय धागों द्वारा मेरे कौन से वस्त्र बनते हैं, जितने भी होजरी के वस्त्र होते हैं, टी शर्ट आदि होते हैं, जो बच्चों के कपड़े होते हैं, जितने भी होजरी के वस्त्र होते हैं वो सारे हमारे एक रेशीय धागों से बनाए जाते हैं। यानी जितने भी होजरी के वस्त्र हम लोग पहनते हैं, टी शर्ट आदि बच्चों के कपड़े होते हैं, वो सारे एक रेशीय धागों से बनाए जाते हैं। अब आता है हमारा बहुरेशीय धागा, यानी कि जितना हमको मोटा धागा प्राप्त करना होता है उतने ही एक रेशीय धागों को हम आपस में मिलाते हैं तो उतना ही मोटा धागा हमें मिलता है। जैसे कि अगर हमको दो रेशीय धागे मिलाने हो तो 1+1 हम लोग करेंगे तो दो टू रेशीय धागे हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह से हमको और भी मोटा प्राप्त करना होगा तो हम 2+2 मिला देंगे तो हमको 4 रेशीय धागे प्राप्त हो जाएंगे। फिर हम आपको और मोटा प्राप्त करना है तो 4+4 मिला देंगे तो हमारा 8 रेशीय धागे हमको मिलते चले जाएंगे। इसी तरह से जितना भी हमको मोटा धागा चाहिए होता है उतने ही एक रेशीय धागे को हम आपस में मिलाते जाते हैं और उसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। तो जितने बहुरेशीय धागों से हम कौन से वस्त्र बनाते हैं, जितने भी हमारे होजरी को छोड़कर, होजरी के वस्त्रों को छोड़कर जितने भी वस्त्र बनाए जाते हैं वे सारे हमारे बहुरेशीय धागे से बनाए जाते हैं। होजरी के वस्त्र को छोड़कर होजरी के वस्त्र को छोड़कर जितने भी वस्त्र बनते हैं वो सारे हमारे बहुरेशीय धागों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्रेप धागा क्या होता है कि जो अगर हम कताई जब हमारे रेशे निकलते हैं उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे रेशे निकल जाते हैं या प्राकृतिक रूप से ही वो छोटे होते हैं, तो उन धागों को हम कताई करके अच्छे से उनमें अच्छे से उनको ऐठन देकर उनको हम लंबा धागा बनाते हैं और उससे हम जो वस्त्र बनाते हैं उसे क्रेप धागा कहा जाता है। इसे स्पॉन यार्न भी कहा जाता है। इसे स्पॉन यार्न भी कहा जाता है जो हमारे क्रेप धागे होते हैं। हम लोग रेयॉन के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा रेयॉन का धागा होता है बहुत अधिक चमकदार होता है। इसकी चमक को कम करने के लिए हम टिटेनियम डाइऑक्साइड, पैराफिन, मोम तेल आदि का प्रयोग करते हैं। जो हमारा धागा होता है रेयॉन का वह एक रेशीय धागे से भी वस्त्र बनते हैं, बहुरेशीय और क्रेप से भी। एक रेशीय धागे से हमारे होजरी के वस्त्र बनते हैं, बहुरेशीय धागे से होजरी के अलावा जितने भी वस्त्र रेयॉन के हम लोग पहनते हैं, हम लोग यूज करते हैं, वो सब सारे बहुरेशीय धागों से बनाते हैं। क्रेप धागे से जो वस्त्र बनता है वह कॉटन के सदृश दिखता है क्योंकि वो छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसमें भी रोए भी निकलने लगते हैं इसमें भी क्रेप धागे में। तो ये हमारा रेशीय धागों को हम जितना भी मोटा चाहेंगे उतने हम धागे को आपस में मिलाते चले जाएंगे। जो हमारा रेयॉन का धागा होता है वह ताप से अप्रभावित होता है, यानी कि उसको पहनने से हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, हमें चिपचिपाहट नहीं महसूस होता है। लेकिन जो हमारा एसीटेट रेयॉन होता है, एसीटेट रेयॉन के जब हम वस्त्रों को पहनते हैं तो उसमें हमको बहुत गर्मी लगता है और वो एकदम चिपचिपाहट जैसी गर्मी होने लगती है, इसलिए एसीटेट रेयॉन का प्रयोग गर्मी के दिनों में नहीं करने लायक होता है। और जब हम कताई करते हैं, जब हम कताई करने लगते हैं तो उस समय हमारे जो रेशे होते हैं वह सभी अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे कि अगर हमको रेयॉन से जो भी कलर का हमको रेशा प्राप्त करना होता है, जब हम घोल बनाते हैं उसी में हम कलर को डाल देते हैं, तो जो हमारे सामने रेशा निकल के आता है तो जो भी कलर हम उसमें डाले रहते हैं वही धागा हम वही कलर हमको प्राप्त हो जाता है।
जो हमारा रियॉन होता है इससे इसमें हमारा फिलामेंट धागे से भी और स्टेपल दोनों धागे से रेशे दोनों धागे से हमें रेशे प्राप्त दोनों तरह से हमको रेशे प्राप्त होते हैं और दोनों विधियों के द्वारा इसे वस्त्र बनाया जाता है। फिलामेंट धागा किसे कहते हैं? फिलामेंट यानी कि जो लंबा तंतु होता है, लंबा रेशा, लंबे रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं। लंबे रेशे को हम फिलामेंट कहते हैं और छोटे रेशे को हम स्टेपल बोलते हैं। स्टेपल या टो बोला जाता है हमको। तो जो लंबे रेशे प्रकृति में भी जो लंबे रेशे होते हैं यानी कि हमारा प्रकृति में सबसे लंबा रेशा हमारा रेशम होता है तो उसे फिलामेंट बोला जाता है और जो छोटे रेशे होते हैं जैसे कि कपास उन्हें स्टेपल रेशा बोला जाता है। और जो मानव कृत रेशे होते हैं ज्यादातर फिलामेंट ही होते हैं क्योंकि मानव जब अपने इच्छा अनुसार रेशे बना रहे हैं तो हमको जितना लंबा चाहिए होता है उतने लंबे हम रेशे प्राप्त करते हैं तो वह हमारा फिलामेंट तंतु होता है। ये हमारा हो गया रेयॉन के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय। अभी हम लोग रेशों के बारे में जब प्राकृतिक रेशे ही हम लोग पढ़े तो पूरा अच्छे से भी डिटेल नहीं पढ़े हैं, हम लोग उसका पूरा भी डिटेल पढ़ेंगे एक एक चीज को। कपास का भी हम लोगों को और डिटेल पढ़ना है, ऊन का भी पढ़ना है, रेशम का भी पढ़ना है, तो हम लोग आगे और पढ़ेंगे इसको और अगले वीडियो में हम लोग जो सिलेबस है हमारा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।